आप इसको ना ऐसे प्रेस करके निकालोगे ये नहीं निकलेगा, कितनी भी मेहनत कर लो। हाँ, आप अगर थंगा वाली टाइप होगे तो आप निकाल लोगे, बट मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो मुझे ना, हाय एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। एंड एज पर द टाइटल यू ऑल नो कि मैं आज जस्ट हब कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड रेंज से हेयर मास्क, शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये तीनों हेयर केयर जो प्रोडक्ट्स हैं मैं लास्ट 20 डेज से यूज़ भी कर रही थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ, लाइक ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं कैसे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जस्ट हब की जो ये कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड रेंज है, जिसमें हेयर मास्क, शैम्पू एंड कंडीशनर है, ये मेनली जो है ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है, बिकॉज इसमें कैस्टर सीड ऑयल है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कैस्टर सीड ऑयल होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो फर्स्ट जो ये जस्ट हब कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड हेयर मास्क है, बेसिकली ये जो है ये एक प्री शैम्पू हेयर मास्क है, जिसे हमें शैम्पू से पहले यूज़ करना होता है। तो बेसिकली इट्स अ डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क दैट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड नरिशेज हेयर एंड स्कैल्प। और ये ना 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सिलिकन फ्री है, एंड इसमें 100% हर्बल एक्टिव्स हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि कैस्टर सीड ऑयल, ब्लैक अनियन सीड जिसे हम कलौंजी कहते हैं, तो ये हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं और बालों में ना थिकनेस लेके आते हैं। इसके साथ साथ इसमें भृंगराज, आंवला, मुलेठी, कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस जोजोबा ऑयल जैसे काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जो कि हमारे बालों में फ्रिजीनेस या फिर ड्राइनेस नहीं होने देते हैं। उसके साथ साथ हमारे स्कैल्प का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस करके रखते हैं। एंड आई पर्सनली यूज़ दिस हेयर मास्क वीकली वंस, और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने बालों को कोम कर लेना है, उसके बाद ना आप अपने बालों को अच्छे से थोड़ा सा वेट कर लो। वेट करने के बाद आपको ना ये हेयर मास्क अपने बालों में लगाना है, लाइक आप स्कैल्प का पार्टीशन कर लो, और जैसे हम मसाज करते हैं ना, तो मसाज करते हुए आपको ये हेयर मास्क जो है अपने स्कैल्प में और बालों में लगाना है। काफ़ी अच्छे से लगा लो, मतलब रूट टू एंड अच्छे से आपको लगा लेना है। कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा रनी है, तो ये हमारी स्कैल्प और बालों में ना अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ओके, लगा लिया, और लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर से ना कोम कर लेती हूँ, ताकि जो बाल है ना वो सारे डिटेंगल रहें, कोई प्रॉब्लम ना रहे वॉश करते टाइम। और उसके बाद अच्छे से अपना एक कप वो लेके, क्लचर लेके उनको फोल्ड कर लिया, या फिर आप ना एक हॉट टॉवल लेके भी कवर कर सकते हो, बट अभी मैं समर्स में ऐसा नहीं करती हूँ, इसलिए सिंपली मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और फिर 15 से 20 मिनट तक इसको लगे रहने देना है, और उसके बाद मैं इस हेयर मास्क को ना नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। और मास्क को वॉश करने के बाद आई यूज़ जस्ट हब कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड शैम्पू, और ये ना एक माइल्डली फोमिंग, सल्फेट फ्री, आयुर्वेदिक, एंटी डैंड्रफ और एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, जिसे मेंस और वुमेंस दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ना सेम इंग्रेडिएंट है, लाइक ऑब्वियसली ये कैस्टर प्लस अनियन, ब्लैक अनियन सीड की जो रेंज है, तो इनके इंग्रेडिएंट जो है ना वो सेम है। इसमें भी आपको कैस्टर सीड और ब्लैक अनियन सीड, भृंगराज, आंवला, मुलेठी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जो कि हमारे हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और हमारा जो हेयर टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है शैम्पू की ना, कि इसकी ना क्वांटिटी बहुत कम लगती है, और ये बालों में बहुत अच्छे से लेदर करता है। लाइक मुझे तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है शैम्पू की, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से लेदर करता है बालों में, अच्छे से हेयर वॉश हो जाता है। और हेयर वॉश के बाद बालों में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, मतलब उस टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है, साथ ही साथ बाल जो है ना बालों में सॉफ्टनेस रहती है, उनमें फ्रीजीनेस और ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है। मुझे ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं अपना शैम्पू चेंज करूंगी तो मेरे बालों में पता नहीं कैसा सा रिएक्ट हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये परफेक्टली मेरे बालों पे सूट किया, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस शैम्पू को यूज़ करने में। हाँ, हेयर फॉल जो है वो एकदम से, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा हेयर फॉल जो है वो अब तो बिल्कुल होता ही नहीं है, एक बाल भी नहीं टूटता है, एक दो बाल टूटता है, बट वैसा नहीं है कि जो भर भर के बाल टूटते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप ये ना शैम्पू ट्राई कर सकते हो, आई मीन ये शैम्पू
और ये ये मास्क और ये शैम्पू ट्राई कर सकते हो। और बेस्ट रहेगा कि आप शैम्पू के बाद ना इनका जो कंडीशनर है वो यूज़ करो, लाइक एक सेम रेंज हो जाती है ना हेयर मास्क शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मैं आजकल यही कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ एंड नो डाउट मुझे ये कंडीशनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये ना बालों में बालों को ना काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, हेयर टेक्स्चर जो है बालों का अच्छा रखता है, बालों में काफ़ी सॉफ्टनेस रहती है, फ्रीजीनेस नहीं रहती है बालों में और बाल जो है ना वो एकदम बढ़िया से मतलब डिटेंगल रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज इसमें विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड हैं जो हमारे बालों का ना टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव करते हैं, उनमें सॉफ्टनेस लाते हैं, उनमें स्मूथनेस लाते हैं। तो ये कंडीशनर का काम यही होता है, आपने देखा होगा ना कि हम कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमारे जो बाल हैं वो कितने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं, डिटेंगल रहते हैं, कितने आराम से उनमें कॉम्ब हो जाता है। तो ये कंडीशनर मुझे बहुत सही लगा इसके लिए, बट मेरा ना एक थोड़ा सा मुझे इस कंडीशनर के साथ एक प्रॉब्लम है वो मैं बताती हूँ क्या। सो इस कंडीशनर की वजह से मुझे ना हेयर वॉश के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज इसमें जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई वो है इसकी पैकेजिंग। आप इसकी पैकिंग देखो, मतलब आप ऐसे देखोगे तो कहोगे वाओ यार कितनी अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। नो डाउट इनके ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगती है, बट ये जो कंडीशनर की पैकेजिंग है ये बॉटल फॉर्म में है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। आप इसको ना ऐसे प्रेस करके निकालोगे ये नहीं निकलेगा, कितनी भी मेहनत कर लो। हाँ आप अगर थंगा वाली टाइप हो गए तो आप निकाल लोगे, बट मैं नहीं निकाल पाती हूँ तो मुझे ना इसका बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इस तरह से कैप खोलो और उसके बाद ऐसे 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 हाथ में निकाल के तब लगाना पड़ता है। नो डाउट मैंने बोला कि कंडीशनर अच्छा है बट मेरा इशू है इसकी पैकेजिंग को लेके। तो मैं ब्रांड से बस यही कहना चाहूँगी कि लाइक आप ना इसकी थोड़ा सा पैकेजिंग में चेंज करो, जैसे जो ट्यूब फॉर्म में आते हैं ना कंडीशनर वैसे से हो, सॉफ्ट थोड़ा सा हो उनकी पैकेजिंग, जैसे हम इजीली प्रेस करें तो वो इजीली निकल जाएँ। तो यही मेरा एक मेन इशू है इस कंडीशनर को लेके, स्पेशली इसकी पैकेजिंग को लेके। अदरवाइज़ मुझे इस कंडीशनर से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है बालों में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस रहती है तो और अच्छी सी एक ना फ्रेग्रेंस भी आती है, मुझे ना बालों से जो हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आती है ना तो वो पसंद है मुझे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर पैकेजिंग चेंज होके आए तो आप इसको ज़रूर यूज़ करना। तो बस कंडीशनर के साथ मुझे पैकेजिंग में ही दिक्कत थी, इसके अलावा मुझे इन तीनों प्रोडक्ट से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों मेरे बालों में बहुत अच्छे से सूट करते हैं और मुझे ना इनके रिजल्ट्स भी नज़र आए हैं। ऑब्वियसली एकदम से नहीं आएंगे कि आप एक हफ़्ता ट्राई कर लो और आपके बाल जो है ना वो एकदम घने काले लंबे हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। बट हाँ रिजल्ट अच्छे हैं, किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, मेंस और वुमेंस दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपका हेयर फॉल जो है ना वो ज़रूर कंट्रोल होगा। देखो होता क्या है, अगर हम ना कोई एक फैमिली ब्रांड से ना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं चाहे वो स्किन केयर के हों या फिर हेयर केयर के हों तो उसका ना बेनिफिट होता है, अगर वही हम ना अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, मास्क अलग, शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, तो हमें नहीं पता ना कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा रिएक्ट कर जाए। और जब हम एक फैमिली ब्रांड से यूज़ करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं तो उनके ना किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे चाहे स्किन केयर में हो या फिर हेयर केयर में हो, इस तरह से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली हेयर केयर के लिए मैं बोलूँगी कि आप ना एक फैमिली ब्रांड से ही लो और आप ये ना जस्ट हब की कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड जो रेंज है ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी मुझे, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और आपकी ना हेयर ग्रोथ भी होगी। आप ट्राई करना ना, आपको हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा, मतलब बेनिफिट समझ में आएगा, असर समझ में आएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो स्पेशली अपने हेयर के लिए तो आप ये जस्ट हब की कैस्टर प्लस ब्लैक अनियन सीड रेंज को ट्राई कर सकते हो, आप इनको बाय कर सकते हो। और अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और आप ना इनको एक बार बाय करना ट्राई करना, उसके बाद मुझे ना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, आके इस वीडियो में ज़रूर बताना कि आपके बालों पर किस तरह से ये शैम्पू मास्क और कंडीशनर ने वर्क किया। लाइक मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।